हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ सीरे पाए की रेसिपी। तो ये एक बकरे का सर और चार पाए हैं। तो देखिए, ये 10 लीटर का बड़ा कुकर है, प्रेशर कुकर 10 लीटर का है, और हम इसमें डाल देंगे सीरे पाए। अच्छा, सीरे पाए धोने का तरीका ये है कि आप जो है ना, जवार एक पानी से पहले धो लें। धोने के बाद फिर जवार काटा है तो आप उसको लगा के रख दीजिए 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में रफ़ करके अच्छे से 8 से 10 पानी से धो लीजिएगा। तो अगर आपके पास जवार काटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे से भी धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें डाल दी मैं सिरे पाए। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज, और यहाँ पर देखिए ये मसाले हैं, 3 चम्मच लाल मिर्च है, हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, गर्म मसाला, ये सब हम डाल देंगे इसमें। और ये देखिए खड़े मसाले हैं, जो भी घर में थे मैं वो डाल रही हूँ। इसके लिए ना पोटली मसाला भी मिलता है मार्केट में, तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं यही मसाले इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो पोटली मसाला भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, 3 मीडियम साइज की प्याज है ये। तो प्याज डालने के बाद हम डालेंगे मसाले। अच्छा, आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको है ना झटपट बनकर तैयार हो जाएगा सालन, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो अब इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले और ये गरम मसाला, खड़े मसाले सॉरी। तो ये सब डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे तेल 3 बड़े चम्मच। आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मिर्ची भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच तेल ले रही हूँ। तेल डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा कैमरा है ना इधर उधर हिल रहा था, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड है ना टूट चुका है, तो मैं एक हाथ से पकड़कर इसको निकाल रही हूँ वीडियो। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, हाथ से ही अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से लग जाए गोश्त को। इसमें ना आपका टाइम भी बचता है, क्योंकि आप इस ऐसे चढ़ा देंगे ना कुकर में, तो आप जब तक रोटी वगैरह भी बना ले सकते। तो अभी शाम का वक्त है हमारे पास, तो डिनर में चाहिए ये रेसिपी, तो इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, और बहुत ही मज़े का भी बनकर तैयार होगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डालने के बाद भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लीटर पानी। थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखना चाहिए इसमें, ताकि नीचे से है ना जले नहीं, दाग नहीं लगना चाहिए। ये थोड़ा इसका शोरबा है ना अलग रहता, तो नीचे से दाग लग जाता, इसीलिए पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालना चाहिए। तो अब हम पानी डाल दिए इसमें। अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन, और कुकर को रख देंगे पहले हाई फ्लेम पर रखेंगे। एक सीटी के बाद हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर रख देंगे। तकरीबन 50 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे रखेंगे 1 सीटी तक, उसके बाद में लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 45 से 50 मिनट तक। इंशाल्लाह तब तक है ना गोश्त भी गल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोश्त है ना गल चुका है, अच्छे से टेंडर हो चुका है। तब हम इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। इस ये जो सालन होता है ना, थोड़ा इसमें शोरबा रहे तो ही अच्छा लगता है, पतला रहे तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना अभी पानी डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, फिर से हम डालेंगे। देखिए गरम मसाला और हरा धनिया भी डालेंगे, और नमक है ना टेस्ट कर लेना है हमें, फिर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो फिर से हम इसको मिक्स करने के बाद और 10 से 12 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। तो हमारा जो सालन है ना वो रेडी हो चुका था शाम में, तो बहुत ही मज़े का भी बना। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए प्लीज़। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही। तो उस टाइम तक है ना मैं यहाँ पर जो है ना रोटी भी बना के रख दी थी। ये देखिए माशाल्लाह सालन बनकर रेडी है। इस तरीके से बनाएंगे ना झटपट बनकर तैयार हो जाएगा सालन। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी भी बनकर रेडी है, तो शाम में सालन भी तैयार था हमारा। तो आप देखिए,
आपका टाइम भी बचेगा, रेसिपी बनकर जल्दी तैयार होगी। तो दस्तरखान भी निकाल के रखे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आइए आप भी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं बनाती हूँ वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।